तो मेरे प्यारे मित्रों, धीरे धीरे करते करते अपन 110 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन रहेगा अपना 111 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो लगातार हमसे जुड़े रहिएगा, पूरी पीडीएफ का अपन हल करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से समझकर हल करेंगे, ठीक है। तो लगातार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों को, ताकि वह भी इन वीडियो से वंचित ना रहें, है ना। और साथ ही लाइक करना, और कोई भी अगर आपके समस्या हो तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन आज का जो रहेगा 111 नंबर से रहेगा। अगर वीडियो की स्पीड आपको, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा स्लोली लग रहा है ना, तो आप स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से 80% क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। पिछली बार तो 100% आते थे, लेकिन इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंज हुआ, तो इस बार पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन जो रहेगा अपना 111 नंबर, वह है वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर की सटीकता क्या है। वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर की जो सटीकता है वह क्या है, तो वह जो सटीकता है वह है 5 इंच की, 5 mm की। क्या है 5 mm? यह जो यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है ना ऊपर, ये mm के लिए लगा होता है, और नीचे जो यहाँ पर ये डबल डॉट लगा हुआ है यह इंच के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यह डबल इंच के लिए होता है, और सिंगल इसके लिए होता है mm के लिए, और ये ऊपर तो डिग्री है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है इस वर्नियर के कैलिपर की रीडिंग क्या है, रीडिंग यहाँ पर पूछी गई है। तो मित्रों, आपके सामने वर्नियर दिया गया है, इसकी रीडिंग आपको बतानी है कि यह रीडिंग क्या है। तो देखिए, इसकी जो रीडिंग है ना वह आएगी आपकी 3, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ, रीडिंग आएगी आपकी 3.5.50, ठीक है, 3.5.50 यह रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पर रीडिंग इस तरीके से दी गई है, है ना। 3 आगे रहता है और 5 के बाद वाली संख्या और 0.50 इस तरीके से, तो यहाँ से इस तरीके से ये याद रख लेना आप, डी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्यों सतह प्लेटो तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। तो देखिए, क्यों सतह प्लेटों, जो सतह प्लेट जो होती है वह तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से क्यों बने होते हैं, तो उनका बनने का जो कारण है, बनाने का जो कारण है वह है विकृति को रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो मुख्य लाभ है वह है आपका यहाँ पर विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, ठीक है, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो उसके करने का जो उद्देश्य होता है वह होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। क्वेश्चन है अपना 116 नंबर, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले, बहुत ही सिंपल तरीके का है, क्या होगा, 1000 mm, है ना, 1 मीटर में, 1 किलो का पूछ ले मीटर में, तो कितना होगा, 1 किलो बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है इस वी ब्लॉक का नाम क्या है, इस वी ब्लॉक का आपको नाम देना है कि इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो यह जो वी ब्लॉक है इसका जो नाम है वह है आपका सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस चिन्हित भाग का नाम बताना है, ये जो यहाँ पर दिया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है
वह है स्क्राइबर। क्या है इसका नाम? स्क्राइबर, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो वह जो कैलिपर होता है वह जेनी कैलिपर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। ए से चिन्हित कोण कौन सा है, तो यहाँ पर ये वाला कोण, ठीक है। तो यह कोण कौन सा है, तो यह जो कोण है ना, यह जो कोण है ना वह है निकास कोण, क्लियरेंस कोण, निकास कोण या क्लियरेंस एंगल, यहाँ वाला पूछा इसलिए। अगर यहाँ वाला पूछता बी वाला तो यह पॉइंट कोण होता। अगला जो क्वेश्चन है, घुमावदार ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो छेनी उपयोग करेंगे वह हाफ राउंड नोज छेनी होगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है, तो इसके लिए जो हथौड़े का जो वजन होता है वह 250 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का जो प्रभाव है वह क्या है, तो वह असमान फिनिश सतह, ठीक है, ध्यान रखना ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो छेनी का उपयोग किया जाएगा वह फ्लैट छेनी का उपयोग किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम क्या है। फाइल देखिए आइसक्रीम की तरह है ना, आइसक्रीम फाइल बोलेंगे, ठीक है, आइसक्रीम फाइल बोलेंगे। तो देखिए ये कौन सी फाइल है, यह जो फाइल है, यह जो फाइल है वह है रोटरी फाइल, ठीक है, क्या है, रोटरी फाइल। अगला जो क्वेश्चन है वह है अपना, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है, तो देखिए अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, तो यह यहाँ पर नहीं होगा, अत्यधिक दबाव यह यहाँ पर सही नहीं होगा। आगे जो ऑप्शन दिए हैं, चिप हटाने के लिए, चिप हटाने दर को बढ़ाने के लिए, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, देखिए चिप क्या होते हैं, जिसे ड्रिल करते हैं ना, तो जो बुरा होता है लोहे का उसको कहते हैं चिप्स, और पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, तो यहाँ पर यही सही होगा आपका, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है, तो वह है कंड्यूट और तन्ने पतली ट्यूब को काटने के लिए, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, M10 × 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करें, टेप ड्रिल साइज की गणना करें, तो यहाँ पर जो गणना करनी है वह आंसर होगा आपका 8.8 mm। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक ड्रिल में फ्लूटेस के बीच के भाग का नाम क्या है, तो इसके बीच के जो भाग का नाम है वह है वेब, ठीक है, वेब आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, तो इसकी रीडिंग कैसे निकालोगे आप। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देख लेना, आपको यहाँ पर 30 दिया है तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 तो सभी में दिए हैं, आगे क्या रखोगे, तो इस 30 को जोड़ना है यहाँ की रीडिंग में, ठीक है, और 10 अधिक जोड़ना है आपको, तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा 157 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरीके से निकालना होता है। वैसे आप ऐसा चित्र आ जाता है तो ये सही करके आ जाना है ना, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। आगे जो क्वेश्चन है वह है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, तो वह है आपका रेचेट स्टॉप, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रल पार्ट है, तो वह जो पार्ट है वह है आपका ए ऑप्शन, जो कि है जो, क्या है,
जो, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वह है माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है वह है आपका स्क्रू और नट। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, स्क्रू और नट। अगला जो क्वेश्चन है 134, जो कि क्वेश्चन है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। तो इसके लिए कैसे मापा जा सकता है, तो लंबी स्लीव के द्वारा, तो लंबी स्लीव के द्वारा नहीं, इसमें तार डाले जाते हैं स्लीव में, है ना। अगला जो ऑप्शन है वह है लंबी स्पेंडल के द्वारा, स्पेंडल हैंडल की तरह होता है, यह भी नहीं होगा। समायोज्य बेस के द्वारा, समायोज्य बेस नहीं है। अगला है एक्सटेंशन रोड्स के एक सेट के द्वारा, तो यही आपका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है, तो उसकी जो रीडिंग है वह है बी ऑप्शन, जो कि है 0.787, 7, 8 और 7, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है, तो वह कौन सा हिस्सा होता है, तो वह होता है ब्लेड वाला। अगला जो क्वेश्चन है वह है ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, तो ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, तो वह है आपका सी ऑप्शन, जो कि है स्टेप पुली। कौन सी, स्टेप पुली। अगला जो क्वेश्चन है पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे एक्स भाग, तो इसका क्या है, तो देखिए वह है टूल रेस्ट। क्या है यह, टूल रेस्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वह है इस फाइल का नाम क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन आया है आपके सामने, जो कि है यहाँ पर रास्प कट रहती, इसका आंसर रहेगा, है ना, रास्प कट फाइल। अगला क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर अपन वाइस हैंडल जो होती है उसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा, स्पिंडल की क्षति, यानी कि अगर ज़्यादा उसका जो स्क्रू होता है उसको ज़्यादा कस दोगे तो क्या हो जाएगा, स्पिंडल को क्षति हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका कम्प्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आज के जो 30 क्वेश्चंस थे वह भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अपन धीरे धीरे 140 तक के क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। इसी प्रकार से अपन टोटल जितने भी अपने क्वेश्चन रहेंगे 500 या जितने भी हैं उन सभी को अपन कंप्लीट कर लेंगे। लगातार जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के साथ भी इसको साझा ज़रूर करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।